लेके आ जाएगी चपड़ी गुफा। जो खुशबू आ रही है ना पीछे वो बहुत ही मजेदार आ रही है। कीजे कलेजी, क्या बात है। ये चने हैं जी। आज मैं मौजूद हूँ जी सियालकोट के छोटे से शहर पसरूर में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ये कोतरा का यहाँ के मैं बताता चलूँ जी आपको, बर्तन मशहूर हैं जी इधर, सारे मिट्टी के बर्तन ही हैं। हुक्के चुके चाटी है, कनाली है, पंजाबी में जो भी होता है सब कुछ जो मिट्टी तैयार हो गए हैं। और ये निकल आया जी चपली कबाब भाई, गर्मा गर्म भाई साहब, हरी मिर्च है साथ, और साथ पता नहीं क्या क्या है। ऊपर आ जाता है जी हल्का सा लैम है। हाय हाय साथ इन्होंने आग जलाई हुई है, लकड़ियों की आग है, साथ चूल्हे रखे हुए हैं, और ऊपर है जी इनकी देखिए जो भी सामान ये बनाते हैं साथ इनकी ये स्पेशल चटनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आपका भाई। एक नए मज़ेदार से विला के साथ हाजिर हो चुका है जी। आज मैं मौजूद हूँ जी सियालकोट के छोटे से शहर पसरूर में। आप देख सकते हैं पीछे मेरा जी मेन बिजीएस्ट चौक आप कह सकते हैं पसरूर का, ये कह सकते हैं आप। ये रोड है जी अमन चौक में मौजूद है। तो एक्सप्लोर करते हैं जी पसरूर के स्ट्रीट फूड को, जो भी होता है आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से खाने जी सुनने को मिल रहे हैं यहाँ के। मैं बताता चलूँ जी आपको, बर्तन मशहूर हैं और साथ ये इनका पसरूरी पान, लेकिन मैं ट्राई नहीं करने वाला क्योंकि हमारी फील्ड अलग है। तो जो भी होता है आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम गुजरते जा रहे हैं जी, पता नहीं कौन सी गली है, आई डोंट नो, बट बिजीएस्ट गली आप कह सकते हैं पसरूर की। मेरा जी पसरूर का पहला टूर था, इससे पहले मैं कभी ज़िंदगी में पसरूर नहीं आया। हालांकि मुझे कुछ इतना खास इलम नहीं है इसके बारे में, इसलिए मैंने जी तलहा भाई को, क्या हाल चाल, अल्हम्दुलिल्लाह तलहा भाई को इनवाइट किया जी। आप भी आए साथ ब्लॉग में एंट्री दें और साथ जी मुझे गाइड करें पसरूर के हवाले से। मैं आपको सबसे पहले खिलाता हूँ, क्या बात है जी। ये तो मुझे लगता है आप दुकानदार हो, चने हलीम नौजरी कबाब पसरूर में यही काम है। चलो करें भाई साहब, सबसे पहले जी हम ये भाई ने डेडी लगाई हुई है इधर जी, चने हलीम है और कलेजी वगैरह। सलाम अलैकुम भाई, क्या हाल चाल, ठीक हो सारे, की कीजिए। कलेजी, क्या बात है, ओके हो गया जी। कलेजी फिफड़ा साथ आ गया जी, ओजरी ये भाई साहब ओजरी है, और ये चने हैं जी, मेरे ख्याल से चने ठीक हैं। चावल है कि दूध है जनाब, काम कर रहे हो, साल डेढ़ ही होया, नवा नवा एक्सपीरियंस है जी। है नाल जी चने जी स्पेशल साथ है, ले लो चुल्ल बना के रखी दी है मिट्टी दी। ये आ गया जी ऊपर साले, ऊपर डाल रहे हैं जी मसाले। तो भाई जान मैं लेके आ दूंगा जी चने चावल, मशहूर सुनने तलहा भाई से टेस्ट करते हैं। ये जा रही है जी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, पहली वाइट होए होए, ये देखें भाई साहब बैंड लेवल कैसा है, मजेदार है। चलो जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी नारोबा रोड चविंडा फाटक के करीब, आ कह सकते हैं कि सामने है जी चविंडा रोड। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था जी, यहाँ के बर्तन मशहूर है, और ये पैसे आप चेक कर सकते हैं जी, ये सारे आपको बर्तन ही नज़र आएंगे, मिट्टी के बर्तन हैं जी, ये चेक कर सकते हैं आप। जूम करके मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये सारी जो है ना स्ट्रीट आप कह सकते हैं बर्तनों से भरी भरी पड़ी है। तो एक शॉप पर जाती हैं आपको थोड़ा सा करीब जा के भी इनका थोड़ा व्यू दिखा सकते हैं जी, इधर सारे मिट्टी के बर्तन ही हैं।
हुक्के चुके चाटी एक नाल, ये पंजाबी में जो भी होता है सब कुछ जो मिट्टी के रिलेटेड होता है वो सब कुछ अवेलेबल है जी, चेक कर सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी भाई के पास, शावरी चपली कबाब है देख सकते हैं, चपली कबाब लग रहा है। भाई साहब क्या हाल है, ठीक है? क्या नाम है भाई? अब्दुल्ला। किस पीस इस्तेमाल करते हैं आप चपली कबाब? डस्कार्ड नंबर चुंगी वाले की दुकान, शावरी चपल कबाब जो डस्के में ना जी, प्राइस नंबर 1 है, प्राइस नंबर 2 जा है। ये चेक करें भाई साहब, ये जा रहे हैं जी, तैयार होते जा रहे हैं, साथ साथ करना करा आइल में जाते जा रहे हैं। सात अंडे वाले कबाब भी हैं, नली वाला कबाब, ठीक हो सादा कबाब, अंडे वाला। ये वही है ना चपली कबाब? जो खुशबू आ रही है ना पीछे वो बहुत ही मज़ेदार आ रही है, जो फ्राई होते हैं इसकी खुशबू आ रही है। ये कुछ फ्राई हो गया है, क्या लुक आ गया है। आ गया जी चपली कबाब, साथ ये दही है, चटनी है, नींबू के पीस है और ये रोटी है जी। बाकी अब आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं जी भाई, और ये चेक करें गर्मा गर्म भाई साहब, हाय हाय हाय, ये चीज हरी मिर्च है साथ, और साथ पता नहीं क्या क्या है। बाकी इनकी ये चटनी और ऊपर आ जाता है हल्का सा लैम है, हाय हाय हाय, जबान खट्टी हो। एक्सट्रीम लेवल यूनिक सी वैरायटी है, आप देख सकते हैं आप इजीली। ये चेक भाई, इस वक्त मैं पहुंच चुका जी सेकंड स्पॉट पे, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जी अल मशहूर पकौड़ा, अरफान पकौड़े वाले हैं इसे जी, फाना पकौड़े वाले से नाम से मशहूर हैं जी पसरूर में। ये चेक कर सकते हैं जी, इनकी पूरा देसी स्टाइल इन्होंने रखा हुआ है, और चेक कर सकते हैं हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल है जी, पूछते हैं इनसे क्या क्या अवेलेबल है। ये चेक कर सकते हैं, पकौड़ा टिक्की, ये चिकन पकौड़ा, ये भी टिक्की हैं जी, ये पकौड़ा, और यहाँ जी इनका सामान तैयार है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। भाई सबसे पहले अपना नाम बता दें। इरफान अली। इरफान अली, तो कब से आपकी ये शॉप? ये 15-16 साल हो गए। 15-16, सही जा रहा है बिजनेस? हम भी नाम सुन के आपके इधर पहुँचे हैं जी, ये देख सकते हैं साफ जी, ये मेकिंग इनकी पकौड़ा की। कर सकते हैं भाई साहब, पहला पराठा निकला है जी गर्मा गर्म, मैंने लकड़ियों की आग जलाई हुई है नीचे, और ये ऊपर गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो रहे हैं। ये जी भाई तो उतार लेते हैं सबसे पहले, ये साथ इनकी ये स्पेशल चटनी, ओए होए ज़्यादा चटनी का मज़ा। ये था हमारा जी स्ट्रीट फूड पसरूर, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया है अरफान भाई के पकौड़े ट्राई किए हैं, और साथ ही रेडी स्टाइल में हमने चने चावल ट्राई किया है। मज़ीद भी हम जी इस पर वीडियो बनाएंगे, देखते हैं आपको पार्ट 2 के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, देखिए।